हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम रघुवीर शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी हम पिछले लेक्चर में क्या हमने करा था, आपका यू बैक्टीरिया के बारे में हमने माइकोप्लाज्मा को समझा था वहां पर, और इसके अलावा हमने प्रोटिस्टा का इंट्रो देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा में। अभी आपको प्रोटिस्टा बाकी है, तो हम आज हम उसमें जो जो बच रहा है आपका सारा कवर करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे क्लासोफाइट्स के बारे में, हम पढ़ेंगे डिनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में, हम पढ़ेंगे आपके प्रोटोजोन्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम ये सब क्या करने वाले हैं, इन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट, डिनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिना को कंपेयर करके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो चलिए क्राइसोफाइट्स को हम लोग देखते हैं। क्राइसोफाइट्स, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स में आपके क्या क्या आते हैं, तो क्राइसोफाइट्स में आपको जनरली क्राइसोफाइट ग्रुप में आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है डायएटम्स के, और आपको यहाँ पर पढ़ना है गोल्डन एल्गी के बारे में। किसके बारे में भाई? गोल्डन एल्गी के बारे में आपको पढ़ना है। तो गोल्डन एल्गी को और आप क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी को आप लोग कह सकते हैं डेस्मिड्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है गोल्डन एल्गी आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आंसर रहेगा आपका क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, एल्गी पे कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद देखिए क्राइसोफाइट्स के ही अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इनके हैबिटेट की। हैबिटेट के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्लैजिला की। फ्लैजिला के बाद यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल वॉल के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर पिगमेंट्स की। ठीक है, पिगमेंट्स की कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, और ध्यान रखेंगे कि ये आपका क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेजिलेट और यूग्लिना, ये तीनों के तीनों में आपको क्या देखने मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें हम किसकी बात कर लेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल की। यहाँ पर आएगा रिजर्व फूड मटेरियल, और ये चार्ट मेरे साथ बना लो, बेनिफिट इसका आपको आगे पता चली जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंटर्स की बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको कैरेक्टर्स बताऊंगा, और यहाँ से सीधे सीधे कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई किसकी, चलिए क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। तो इनके हैबिटेट की अगर आप बात करोगे, तो ये आपको फ्रेश और मरीन दोनों तरीके के वाटर में मिलेंगे। ठीक है, कैसे वाटर में मिलेंगे आपको? फ्रेश एंड मरीन दोनों ही तरह के वो उसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर दोनों तरह के वो आपको उसमें देखने मिलेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे इनके लिए कि ये जो है आपके, ठीक है, क्राइसोफाइट्स के लिए मैं ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ। तो क्राइसोफाइट्स में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि डेट क्राइसोफाइट्स आर फ्लोट, क्राइसोफाइट्स आर फ्लोट पैसिवली पैसिवली इन वॉटर करंट, इन वॉटर करंट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही आपका पॉइंट है। फिर इसके बाद देखो आपको क्या ध्यान रखना है, सेकेंड चीज कि अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको कोई फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता, तो मैं कहूंगा कि ये नॉन फ्लैजिलेट है। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो आपको इनकी सेल वॉल में सिलिका देखने के लिए मिलेगा। या आप कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है यहाँ पर क्या होगा, सिलिका से जो सेल वॉल है इसमें आपको सिलिका अच्छी खासी मात्रा में देखने मिलती है। ठीक है, और एक टर्म भी यूज करते हैं आप लोग यहाँ पे सेल वॉल के लिए, वो टर्म है आपकी फ्रस्ट्यूल। ठीक है, फ्रस्ट्यूल टर्म का भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं पिगमेंट की, तो आपको यहाँ पर मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी आपको पिगमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा बीटा कैरेटिनोइड, बीटा कैरेटिनोइड या फिर बीटा कैरोटीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रिजर्व फूड मटेरियल में ध्यान रखेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा, यहाँ पर ऑयल रहेगा। और इसके कैरेक्टर्स जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो कैरेक्टर्स तो आपको सारे याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। और देखो यहाँ पे जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना, इवन कोचिंग में भी ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर क्राइसोफाइट्स के लिए सही नहीं है। तो वहां पे क्या लिख देते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ। तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके लिए एक टर्म दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके आपको यहाँ पर ये बताती है, और एनसीईआरटी ने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर कि जो आपके क्राइसोफाइट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए पूरा पॉइंट ही लिख देता हूँ एनसीईआरटी वाला। सो एनसीईआरटी कहती है यहाँ पर कि द वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स, द वॉल आर एम्बेडेड विद, एम्बेडेड विद सिलिका
एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस बोल आर इंडस्ट एंड दस बोल आर इंडिस्ट्रक्टेबल इंडिस्ट्रक्टेबल दस डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट डिपोजिट इन देयर हैबिटेट इन देयर हैबिटेट दीज एक्यूमुलेशन टेक बिलियन ऑफ ईयर। फिर इसके बाद बोलती है वो कि दीज डिपोजिशन टेक बिलियन ऑफ ईयर, और इसको ही एनसीईआरटी क्या कह रही है, डाई एटोमेशियस अर्थ। ये क्या कह रही है, डाई एटोमेशियस अर्थ। तो ये पॉइंट आपको दे रखा है, तो इस पॉइंट को आपको कहीं से कहीं तक इसके साथ जोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों बातें अलग है, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर ओशियन के हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका डायटोमिक अर्थ कहा जा रहा है, कोई दूसरे सेंस में कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो बोल है, ठीक है, कि जो ये बोल है यहाँ पर, ये किससे एम्बेडेड है, एम्बेडेड है सिलिका से, और ये इनकी जो बोल है ये इजिली पहली बार तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, लेकिन अगर मान लीजिए डिस्ट्रैक्ट हो गई है तो फिर क्या होगा। सो फिर जो डायटम है वो क्या करेगा, लेफ्ट बिहाइंड आपका जो लेफ्ट बिहाइंड है लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, और उसे डिपोजिट करने में बिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहा गया है, डायटमेशियस अर्थ के बारे में बताया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका यूज भी करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनका यूज कैसे करा जाता है, इसके सेल वॉल वगैरह का डिपोजिट कर रहे हैं तो इसका यूज कैसे करा जाएगा। सो इसका यूज करा जाएगा किसकी चीज में, इसका पॉलिशिंग में यूज करा जाएगा, इसका फिल्ट्रेशन में यूज करा जाता है। किसमें यूज करा जाता है, फिल्ट्रेशन में यूज करा जाता है, जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में इसका क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। इसके अलावा इन्हें जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, वो पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, और यहाँ पर डायटमेशियस अर्थ का भी आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए इन्हें सीवेज पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीवेज पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, सीवेज पॉल्यूशन इंडिकेटर। और यहाँ पर आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो इसके लिए, क्लासिफाइड्स के लिए एक रफ डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा कि यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर सेल वॉल, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये है यहाँ पर सेल वॉल। और सेल वॉल जो है यहाँ पर आप क्या देखोगे, सेल वॉल किससे एम्बेडेड है भाई, सेल वॉल एम्बेडेड है यहाँ पर सिलिका से, ठीक है। सिलिका आपका ज्यादा अमाउंट पर रहेगा, और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलुलोज भी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको बीच में एक सेल देखने के लिए मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डाई एटम्स के बारे में। सो डाई एटम्स के बारे में देखने से पहले आप सारे पॉइंट्स को क्या कर लो, नोट कर लो, और कोई दिक्कत है तो आप जो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे डीनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। सो डिनोफ्लैजिलेट्स देखो बर्ड से पता चल रहा है, ठीक है, इसमें डाई आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं टू की बात हो रही है, और मतलब और फ्लैजिलेट आ रहा है, तो ये फ्लैजिला से आप रिलेट कर लेना, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी हैबिटेट की, सो इनका हैबिटेट कैसा होगा, सो इनकी हैबिटेट हो जाएगी मरीन हैबिटेट। कैसी हैबिटेट है भाई, मरीन हैबिटेट में आपको मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, सो यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो इनकी सेल वॉल है किसकी बनी होगी भाई, सेल्यूलोज की बनी होगी, और यहाँ पर आप जो टर्म यूज करते हैं वो होती है लोरिका एंड और या फिर थीका, ठीक है। इन दो टर्म में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, LORICA और आपका थीका, सो आप इन दो टर्म में से कोई सा भी यूज करिए। इसके अलावा बात करोगे पिगमेंट्स की, तो मैंने आपको बताया है कि आपके क्राइसोफाइट्स, आपके डिनोफ्लैजिलेट्स और आपके यूग्लिना, इन तीनों में ही आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है क्लोरोफिल ए और आपको क्लोरोफिल सी देखने मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने मिलता है बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन देखने मिलेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल की, तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल यहाँ पे क्या है आपके रिजर्व फूड मटेरियल रहेंगे। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं, देखिए कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, इसमें आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है जो रेड टाइड कोस करता है। अब कुछ ध्यान आ रहा है, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था पहले रेड सी, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे रेड टाइड, तो इसे हाईलाइट करो टाइड को।
ठीक है, रेड टाइड कौन क्रॉस कराता है, तो आप ध्यान रखेंगे रेड टाइड आपका क्रॉस कराता है बोन्यूलेक्स, और ये किसमें आएगा आपका, ये एग्जाम्पल किसमें आएगा, ये आएगा आपका डिनोफ्लैजेलेट्स में। और आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये जो गोनियोलेक्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहते हैं साकीटॉक्सिन। क्या कहते हैं? साकीटॉक्सिन कहते हैं। और इस और ये जो आपका साकीटॉक्सिन है ये क्या करता है, जब आपका ये गोनियोलेक्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये टॉक्सिन क्या करता है, जैसे ही टॉक्सिन आएगा वहां पर फिश वगैरह क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगे। तो आप इन चीजों को भी, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक डायग्राम भी याद रख लीजिए, ठीक है, अगर इसका हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत ना हो। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, तो कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा कि भाई ये हो गया आपका, यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे डायग्राम को, ठीक है। सो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं ग्रुप्स, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, और इधर हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स ग्रुप। तो आपको दो ग्रुप्स यहाँ पर देखने मिलते हैं, एक हो गया आपका ट्रांसवर्स ग्रुप और एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और आप इसमें क्या देखोगे, आपको यहाँ पर दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये वाला फ्लैजिला जो आएगा, इसको आप लोग क्या कह दोगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। सो और यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई यहाँ पे जो सेल वॉल है वे किसकी होंगी, सेलुलोज की होंगी। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट इस चीज को कर लेना। चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर युग्लिना की, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई, युग्लिना की बात करेंगे या युग्लिनोइड्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर मैं व्हाइट पेन का यूज करूंगा। सो युग्लिना के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये आपको कैसी कंडीशन में मिलते हैं, ये आपको स्टेंजेंट वॉटर में देखने के लिए मिलते हैं। कैसे वॉटर में देखने मिल रहे भाई, स्टेंजेंट वॉटर में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा आप बात देखेंगे यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं, और ये दो फ्लैजिला कैसा होते हैं आपका, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक होता है आपका लॉन्ग फ्लैजिला। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह आप क्या देखते हैं, आपको एक प्रोटीन की लेयर देखने मिलती है, ठीक है। एक प्रोटीन रिच लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस प्रोटीन रिच लेयर को आप क्या कहोगे, इस प्रोटीन रिच लेयर को कहा जाता है पेलिसिल। क्या कहते हैं भाई, पेलिसिल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिगमेंट्स की, तो क्लोरोफिल ए तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफिल बी आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कि इन दोनों में क्या है आपका, जो आपके ग्लाइसोफाइट्स हैं और जो आपके डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल दोनों में कौन सा मिल रहा है, सीसी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा मिल रहा है आपको, क्लोरोफिल बी मिल रहा है। सो ये डिफ्रेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको बीटा कैरोटीन भी देखने मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, सो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा पैरामाइलन, इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। पैरामाइलन को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूँ β-1,3-ग्लूकेन, यहाँ पर क्या है आपका, रिजर्व फूड मटेरियल। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलती। क्या नहीं देखने के लिए मिलती भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या होता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस चीज को समझो। सो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर आपका दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। सो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप ध्यान रखोगे कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर मिक्सोट्रॉपिक में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस करेंगे। वहीं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करेंगे आपका, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये इसको, और ये क्या करेंगे आपके स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। सो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। सो ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और मिक्सोट्रॉपिक के लिए आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ तो आप थोड़ा सा और रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, तो मैं आपके लिए यहाँ डायग्राम बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बना रहे हैं किसको, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर यूग्लिनोड्स को। सो यूग्लिनोड्स को आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा।
इसके बाहर ये डॉट डॉट से मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ पहली सेल को, ठीक है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहली सेल को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर पहली सेल। और इसके अलावा आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इग्लेनॉइड में क्या करता है, ये आपका रिमूव करता है एक्सेस वाटर को, रिमूव एक्सेस वाटर। इसके अलावा आपको दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे, एक फ्लैजिला होगा शॉर्ट और एक फ्लैजिला क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग। तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि ये दो फ्लैजिला आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये दोनों फ्लैजिला कहाँ कौन सी पोजिशन से अराइज हो रहे हैं, सो ये दोनों आपके अराइज हो रहे हैं एपिकल पोजिशन से। कौन सी पोजिशन से अराइज हो रहे हैं, एपिकल पोजिशन से अराइज हो रहे हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब है आपने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए हैं। थोड़े एडिशनल पॉइंट्स सब हम यहाँ पर एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस टेबल को आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो। सो चलो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़े एडिशनल पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी का तो आप लोग कर चुके हो, थोड़े से एडिशनल पॉइंट वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, तो उसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले डाई आइटम्स में कुछ पॉइंट याद रख लो आप लोग। तो डाई आइटम्स में आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है, इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। इसके अलावा देखो, हमने डायग्राम भी बनाया था डाई आइटम्स का, तो हमने क्या देखा था कि जो उसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस दे रहा था ना, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है, किसका होता है, डाई आइटम्स का होता है। तो ये पॉइंट आप डाई आइटम्स में ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिनोफ्लैजेलेट्स की बात करेंगे। सो डिनोफ्लैजेलेट्स में भी एक दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो डिनोफ्लैजेलेट्स में आप याद रखोगे कि कुछ डिनोफ्लैजेलेट्स ऐसे होते हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं भाई, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे याद रखोगे नोक्टिलुका, नोक्टिलुका ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ऐसा नहीं है ये आपसे तो पूछा भी गया है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे शायद ये एम्स जिपमर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल को आप ध्यान रख लोगे। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, देखो मैंने बेटा आपको प्रोकैरियोट पढ़ाया था, मैंने आपको यूकैरियोट पढ़ाया था, ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, डीनोफ्लैजिलेट्स की, तो डीनोफ्लैजिलेट्स किसमें आते हैं, मीजोकैरियोट्स में आते हैं। किसमें रखे जाते हैं भैया, ये रखे जाते हैं मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट का मतलब क्या होता है कि ये आप कह सकते हो डीनोफ्लैजिलेट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी है। उसके पास क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी है, मतलब प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी भी है और आपकी यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी भी है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखो कि हाँ भाई दोनों की प्रॉपर्टी है इसके पास, और ये किस में आते हैं, आपके मीजोकैरियोट्स में आते हैं। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। सो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है एडिशनल पॉइंट। इसके अलावा अगर आप कोई साइड बुक अपने आप मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक, कोई सी भी हो सकती है जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ जो एडिशनल है वो आप वहां से कर लीजिएगा, वरना पहला प्रायोरिटी आपको हमेशा एनसीईआरटी को ही देनी है, ठीक है। सो एनसीईआरटी आपको क्लियर रखनी है, वीडियोस पे आप नोट्स बनाओगे, और आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो तीन चीजों पर फोकस करके चलना है, एनसीईआरटी, वीडियो लेक्चर्स के नोट, फिर आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये तीनों को अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाएगा। अभी आप एक दो महीना कंटिन्यूटी के साथ आप इन चीजों को फॉलो करें, फिर आप देखेंगे कितनी स्पीड के साथ आपसे एमसीक्यू लग रहे हैं। तो चलिए अभी तो हम यहाँ पर इतना करेंगे, फिर अब इसके बाद हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड। तो देखिए, स्लाइम मोल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है, जो बच्चे अभी शायद एक ड्रॉप कर चुके हैं या फिर अपने दूसरे तीसरे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर लेक्चर में आप लोगों से क्यों बात करता हूँ, मैं इसलिए बात करता हूँ कि भाई कि आप लोगों को मैं कुछ सिखाता हूँ। तो बेटा एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बात क्या है, बात है ये कि भी को सीख बिना ठोकर खाए नहीं मिलती। तो अगर अभी आप नहीं भी हो पाया ना, तो कोशिश करते रहो, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी नहीं छोड़नी। और देखो ड्रॉप करते हैं ना तो ऐसा लगने लगता है कि आपको भी लगता होगा ऐसा कि हम बार बार किताबें पढ़ रहे हैं, हमें सब आता है ना, मन नहीं करता होगा। तो कोई नहीं, इतने साल आपने दे दिए ना, एक साल और सही दे दो ईमानदारी से, क्या पता इस बार हो जाए।
और हो जाएगा क्योंकि तो आपने मेहनत करी है भाई। बस हम लोग क्या करते हैं देखो, जनरली मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है जब शुरू में तैयारी करने आते हैं ना, तो चलो आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताता हूँ जो अपने एक्सपीरियंस है, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद नोटिस करा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब नया नया स्टूडेंट आता है ठीक है, फिर चाहे वो ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, तो शुरू में उसका प्रिपरेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है एकदम, मतलब पढ़ रहा है अच्छे से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पूरी मेहनत के साथ कर रहा है, कुछ महीने बीतेंगे या वो कुछ लोग तो कुछ हफ्ते बाद ही, ठीक है क्या होता है उस ग्राफ में आप देखोगे थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, फिर थोड़ा सा और डाउनफॉल हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है ना जिसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल हो जाएगा, और वो जनरली पीरियड जो होता है वो ये दिवाली से कुछ मंथ पहले का ही होता है ठीक है। फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा ऐसा करेंगे दिवाली के बाद से शुरू करेंगे, फिर दिवाली के बाद से क्या करते हैं न्यू ईयर के बाद शुरू करेंगे, तो एक तरीके से भी क्या कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीजों को ठीक है, और ये होता भी है जनरली ठीक है। तो आपको क्या करना है देखो, अगर अभी आप इस पॉइंट पर हैं ठीक है, मान लेते हैं कि चलो भाई आपने इस पॉइंट से शुरू करा था, अगर आप इस पॉइंट पर भी है ना और ईमानदारी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हाँ एकदम से आप जो पुराने वाले फ्लो में आ जाओगे नहीं आ पाओगे, लेकिन आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके ऊपर को बढ़ लेना है ठीक है। पुराने वाले पोजिशन को आप मेंटेन कर लोगे लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, मतलब टालते रहोगे ना चीजों को, फिर नहीं हो पाएगा। मैं अभी आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, सुनने में आपको बुरा भी लग रहा होगा ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो जो स्टार्टिंग में शुरू से मेहनत कर रहे थे अच्छे से, लेकिन अब आके क्या कर रहा है उनका डाउनफॉल उन्हें लग रहा है ठीक है, हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता, ये बात को आप एग्री करोगे ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको जो है जितनी पढ़ाई पहले कर रहे थे अब आपकी कम हो रही है, तो बेटा धीरे धीरे बढ़ाना चालू करो ठीक है, अब एक साथ तो नहीं बढ़ा सकते ना, एक सब कुछ तो धीरे धीरे इम्प्रूव करो ठीक है अपना, धीरे धीरे करोगे तो देखोगे कि हाँ भाई फिर से जैसा आपने स्टार्टिंग में करा था वैसे ही आपका सेम होने लगेगा, और आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट भी आने लगेगी। इसको प्रोकेस्टिनेट नहीं करना ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनमें आप एक चीज देखोगे ठीक है, वे क्या करते हैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो आपको भी क्या करना है स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आप क्या करोगे अपने हार्डवर्क को बढ़ाना है ठीक है, और ईमानदारी के साथ काम करते रहो, अगले डॉक्टर आप ही हो, खुद पर भरोसा रखो सबसे पहले ठीक है। ये प्रूफ मत करो कि हाँ भाई दूसरे को दिखाने के लिए, वो होता है ना कोचिंग टाइम में स्टूडेंट्स करते हैं जाके क्लास में कि भाई तेरा भाई तो फला घंटे पढ़ा है, तेरा भाई 6 घंटे पढ़ा, तो ऐसा नहीं है बेटा, सामने वाला तुमसे ज्यादा ही पढ़ रहा है, ये बात ध्यान रखना ठीक है। जितने घंटे पढ़ रहे ईमानदारी से अपने आप से पूछो क्या मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ तो ये सफिशियंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सफिशियंट है तो ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सफिशियंट नहीं है तो उसे इम्प्रूव करो। तो चलो अब आते हैं क्लास की तरफ ठीक है, हम लोगों को बताना जरूरी होता है ठीक है, क्योंकि इस एज में एक्चुअली क्या होता है हम लोगों को गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता रहूँ। ओके अब देखो हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की, तो देखो स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो तुम्हें स्लाइम मोल्ड में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं स्लाइम मोल्ड की अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो मान लो भाई ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड में आप क्या देखोगे, आप देखोगे इसमें काफी सारे न्यूक्लियस हैं, क्या है भाई काफी सारे न्यूक्लियस है, मतलब ये कैसा है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसके स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, आपको देखने के लिए मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, क्या देखने मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। सो एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये हमारे पास एक प्यारा सा बड़ा सा बढ़िया सा एक ट्री है ठीक है, क्या है भाई ये मेरे पास एक ट्री है, ट्री से एक पत्ती क्या हो गई भाई, चलो भाई एक लीफ मान लेते हैं ये टूटकर अलग हो गई, ये इससे डिटैच हो गई ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या टर्म यूज करूंगा, मैं इसके लिए टर्म यूज कर सकता हूँ ट्विग लीफ, मतलब ऐसी लीफ जो क्या हो गई है प्लांट से डिटैच हो गई है और क्या होगी सरफेस पर आके गिर गई। अब इस पर क्या होगा, इस वाली ट्विग लीफ पर क्या होगा अपना ये स्लाइम मोल्ड आएगा ठीक है, तो चलो भाई ये अपना क्या आ गया इस पर स्लाइम मोल्ड आ गया। अब स्लाइम मोल्ड अब क्या देखोगे कि स्लाइम मोल्ड धीरे 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 क्या होगा बेटा साइज में बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा धीरे 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 ये साइज में बढ़ता जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ कि ये क्या हो रहा है ये साइज में बढ़ रहा है ठीक है। अब जब ये साइज में बढ़ रहा है तो कैसा बढ़ रहा है, तो भाई ध्यान रखेंगे कि ये क्या करेगा स्लाइम मोल्ड से क्या होता है कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, क्या होता है स्लाइम मोल्ड से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं ये इस लीफ को खा लेते हैं ठीक है, सो इसको लीफ को क्या करेंगे ईट द लीफ, तो ये लीफ को खाएंगे जिससे कारण क्या होगा इनका साइज बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते क्या आप क्या देखोगे इनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा ये कुछ फीट तक पहुंच जाएंगे ठीक है, सो इनका साइज काफी बड़ा हो जाएगा ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इनका साइज रीच होते होते सेवरल फीट तक पहुंच चुका है, कुछ फीट तक इनका साइज पहुंच चुका है, तो ये कुछ इस तरीके से, और हम इसे क्या कह देंगे
जब इसका साइज 7 फीट तक पहुंच जाएगा तो आप इसे कहोगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या कहोगे भाई? प्लाज्मोडियम। अब मान लो क्या हुआ भाई, कंडीशन कैसी आ गई है तुम्हारी? अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। कैसी कंडीशन आ गई भाई? यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में आप क्या देखोगे कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये जो आपका क्या है, प्लाज्मोडियम है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पर क्या निकलेंगी? फ्लोटिंग बॉडीज बनेंगी। क्या बनेंगी भाई? फ्लोटिंग बॉडीज बन जाएंगी। तो चलो मैं यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडीज बनाया था आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर क्या बन गई है? फ्लोटिंग बॉडीज बन गई है। अब देखो तुमने क्या करा, तुमने फ्लोटिंग बॉडीज को थोड़ा सा तुमने ऐसा करा कि भाई किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखा तो तुम्हें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिले, और तुमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज में तुम्हें क्या देखने के लिए मिले? तुम्हें देखने के लिए मिले स्पोर्ट्स। क्या देखने मिले भाई तुम्हें? स्पोर्ट्स देखने तुम्हें फ्लोटिंग बॉडीज में मिल गए। तो ये क्या है आपकी, रेड कलर से मैंने क्या बनाई, ये है आपकी फ्लोटिंग बॉडीज। और ध्यान रखेंगे फ्लोटिंग बॉडीज जो है इनकी प्लोइडी क्या कैसी होती है? डिप्लोइड होती है। लेकिन स्पोर की प्लोइडी हमेशा ध्यान रखना है कैसी होगी? हैप्लोइड होगी। अब क्या होगा, मान लो कि ये जो आपके स्पोर्स हैं, ठीक है, ये डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट के थ्रू। क्या हो जाएंगे भाई? ये डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट के थ्रू। तो एयर के थ्रू ये क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। फिर आगे चले क्या होगा, इन स्पोर्स से आप आगे देखोगे तो आगे चल के वो फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और आपका क्या होगा, इस तरह क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद आपका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद आपका क्या बनेगा? स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है। ये मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में लिख दिया है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इस डायग्राम में आपकी कवर है, ठीक है। इसको बनाना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, सारा आपके दिमाग में छप चुका है, आई प्रोमिस यू। लेकिन आपको एक बार इसको अपने हाथ से बनाना है, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, सब समझ में आने वाला है। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। तो बेटा मैंने दोबारा आपके प्रोटोजोन्स के लिए क्या कराया, फिर से मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया, ठीक है, टेबल टाइप मेरा बना दिया, ताकि आप लोग काफी इजीली इसको पढ़ पाओ, वो भी कंपेयर करते हुए। सो देखो कुछ लाइंस पहले हम लोग जो ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये अपना टेबल को तैयार कर लेना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रोटोजोन्स की, तो ध्यान रखेंगे जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और ये आपके आपके एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट की फॉर्म में लिव करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, डेट लिव एज प्रीडेटर एंड या और पैरासाइट, ठीक है, प्रीडेटर या फिर पैरासाइट की फॉर्म में ये क्या करेंगे, रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी भी आपसे एक लाइन कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि इन्हें इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि क्या होते हैं, ये कुछ एनिमल से ही मेल खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्या कहते हैं भाई? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं इन्हें, आप इन्हें जो आपने डिवाइड कराया, इन्हें आपने डिवाइड कराया 4 मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। और वे मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका अमीबोइड प्रोटोजोन, सेकंड है आपका फ्लैजिलेटेड, थर्ड है आपका सीलिएटेड, और फोर्थ है आपका स्पोरोजोन्स, ठीक है। सो इन 4 ग्रुप्स में हमने इसको क्या करा है, डिवाइड करा है। तो चलो अब इसको समझेंगे, प्रॉपर्टीज को देखते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर इनकी हैबिटेट की, भाई कैसे कैसे हैबिटेट में आपको मिलेंगे। थर्ड में यहाँ पर बात करूंगा इनके फीचर्स की, किसकी बात करूंगा मैं? फीचर्स की बात करूंगा। फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। और सबसे लास्ट में मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो इन 5 पॉइंट्स को लेकर हम लोग इन्हें कंपेयर करते हुए देखने वाले हैं। चलो सो यहाँ पर हम यूज करते हैं, चलो रेड पेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और सबसे पहले अगर बात करते हैं अमीबॉइड की, तो आप ध्यान रखेंगे ये कैसे होते हैं आपके, सो मोस्टली ये होंगे आपके फ्री लिविंग, ठीक है। कैसे होंगे? मोस्टली फ्री लिविंग होंगे। अगर ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा वीडियो में, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद आप जूम करके इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये ज्यादातर कैसे होते हैं, अमीबॉइड की बात करेंगे तो फ्री लिविंग होंगे ज्यादातर, लेकिन इसके अलावा फ्यू आप देखेंगे तो थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं जो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, एज अ पैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यू आर पैरासाइट्स। सेकेंड बात करते हैं इनके हैबिटेट की, सो हैबिटेट की बात करेंगे तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ये आपको सी वाटर में मिल सकते हैं, और ये आपको मॉइस्ट सोइल में मिल सकते हैं,
ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल में आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फीचर की। सो फीचर में आप ध्यान रखेंगे कि जो मरीन फॉर्म है इनमें, ठीक है, सो मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल, ठीक है, कैसे शेल होगी भाई, सिलिका की शेल होगी ऑन देयर सरफेस। और ये किस पर मिलेगी आपको सिलिका की शेल, ये आपको आपको सी फॉर्म वाले अमीबॉइड पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की। सो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं फॉल्स फीट, और फॉल्स फीट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वह नाम है आपका शूडोपोडिया। क्या नाम है इसका भाई, शूडोपोडिया। इस चीज को अभी मैं परेशान नहीं हूँ ना, डायग्राम में भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, बना के। इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर बन जाएगा एंट अमीवा और आपका अमीबा। तो ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड की। सो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैजिलेटेड की, तो ये कैसे हो सकते हैं, ये आपके फ्री लिविंग हो सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, और पैरासाइट ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में। इसमें फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे आपको, और ये आपको मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे इनके फीचर्स में, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रेयर, और ये अकर एज पैरासाइट। एक फीचर को आप ये ध्यान रखेंगे, अकर एज पैरासाइट। इसके अलावा आप देखेंगे, सो ये आपको क्या दिखाएंगे, आपको सिम्बायोन्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर ये दो पॉइंट याद रख लेते हैं तो ये सफिशियंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा के बारे में ध्यान रखेंगे, कोजिंग स्लीपिंग सिकनेस, या कोज स्लीपिंग सिकनेस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे होते हैं आपके, तो ये होते हैं आपके मोस्टली फ्री लिविंग क्यू आर पैरासाइट, क्यू आर पैरासाइट, ठीक है, ज्यादातर फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ क्या है आपके, पैरासाइट है। सो कहीं ना कहीं आप ये अमीबोइड से भी रिलेट कर सकते हैं ना, जैसा आपको आपको अमीबोइड में देखने मिल रहा है, वैसे ही आपको सीलिएटेड में देखने मिल रहा है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको भाई, ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर और सी वाटर में, फ्रेश वाटर और सी वाटर में आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके पास क्या मिलती है, कैविटी मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, गलेट। सो गलेट क्या है, कैविटी है, और ये आप बता सकते हैं इट इज अ कैविटी डेट ओपन आउटसाइड द, डेट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस, डेट ओपन द आउटसाइड द सेल सरफेस। और इसके अलावा आप क्या देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी क्या हो, आप क्या देखोगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है किसकी, सीलिया की। तो यहाँ पर मैं इस चीज को भी आपको डायग्राम में बताऊंगा, ताकि चीज को आप, इस चीज को, इस टॉपिक को आप सही से समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर सीलिया आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल यहाँ पर बनेगा आपका पैरामेशियम, तो पैरामेशियम आपका यहाँ एग्जाम्पल बन जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर, स्पोरोजोन्स पर। तो स्पोरोजोन्स की अगर आप बात करोगे, तो स्पोरोजोन्स पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेट ऑल स्पोरोजोन्स ये कैसे होते हैं, आर एंडोपैरासाइट, आर एंडोपैरासाइट, ठीक है, एंडोपैरासाइट है। अब एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फाउंड विद इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, और अदर ऑर्गेनिज्म में भी इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने के लिए मिलती है, ठीक है, कैसी, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो आपकी स्पोर लाइक स्टेज है, ये प्रेजेंट होगी इनकी लाइफ साइकिल में। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके स्पोरोजोन्स की लाइफ साइकिल है, इसमें आपको एक
इन्फेक्शन फॉर लाइक स्टेज देखने के लिए मिल जाती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होते नहीं है, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, तो ध्यान रखेंगे कॉज मलेरिया, कॉज मलेरिया। सो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा चार्ट दे दिया, इस चार्ट को आप लोग तैयार कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको अमीबॉइड के बारे में, ठीक है। मान लो ये क्या है आपका, यहाँ पर ये कोई अमीबॉइड है, ठीक है। सो अमीबॉइड में क्या देखोगे आप, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या होगा, सूडोपोडिया बनेंगी, क्या बनेंगे, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स वीट। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के से क्या होगा, चेंज जाएंगे, देख रहे हैं, ये फिट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये नहीं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, सूडोपोडिया। अब थोड़ा सा और डायग्राम को समझते हैं ताकि वो चीजें क्लियर है। मान लो कि भाई यहाँ पर क्या है, इसका फूड है, ठीक है, इसका क्या है, यहाँ पर फूड है। तो ये आपका, ये तो है ही, क्या कहते हैं, क्या है भाई आपका, ये अमीबा है, ठीक है, अमीबॉइड है। सो आप क्या देखोगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए, जिसको आपने क्या कहा है, सूडोपोडिया कहा है। सो क्या होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके क्या करेंगे, इस फूड को कैप्चर कर लेंगे। अब देखो क्या होगा फाइनली आपका, अब ये फिंगर लाइक उसके थ्रू क्या हो गया, ये फूड अंदर आ गया, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया आपका फूड। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सूडोपोडिया जो है ये फूड कैप्चर वगैरह करने में भी आपकी हेल्प करता है। सो ये तो हमने किसके लिए देख लिया, ये हमने देख लिया अमीबॉइड के लिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे फ्लैजिलेटेड के लिए। सो फ्लैजिलेटेड में आपने क्या देखा, आपने देखा ट्राइपैनोसोमा। सो फ्लैजिलेटेड का देखिए कुछ ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फ्लैजिला देखने मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होंगे कि मान लो भाई ये है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, ये बहुत सारे सीलिया लगे हैं, क्या है यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर सीलिया लगे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने पॉइंट्स में बताया था, आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी, कैविटी देखने मिलेगी। सो ये मैंने ऊपर क्या बनाई, ये कैविटी बनाई है, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ पर दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। तो इस कैविटी को आप क्या कहोगे, गलत क्या होगे, वो ये किसकी तरह एक्ट कर रही है यहाँ पर, ये एक्ट कर रही है माउथ की तरह, और इसके थ्रू ये क्या करेगी, ये फूड ले लेगी, क्या ले लेगी भाई, फूड का इनटेक करेगी या फिर फूड ले लेगी। और देखो एक्चुअली होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं यहाँ पर, क्या मूव, कैसी मूवमेंट कर रहे हैं भाई यहाँ पर सीलिया, ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब मान लो कि भाई फूड वगैरह यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सीलिया क्या करेगा, इस फूड को ऐसे, मतलब इस तरीके से, मान लो ये मेरे इस तरीके से समझते हैं, चलो ये क्या है, ये बीच में मैंने रख रखा है यहाँ पर, क्या है ये, मान लो ये आया आपका कोई सीलिया, ये पैरामेशियम है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है आपके सीलिया। तो ये मान लो पीछे क्या दिख रहा है आपको, छोटे छोटे सीलिया दिख रहे हैं, ठीक है, शायद आप डायग्राम समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगे और फूड को क्या करेंगे, आगे भेजते रहेंगे, और ऐसा करते करते कहाँ पहुंचा देंगे, गलेट में पहुंचा देंगे। तो इस तरह का आपको कुछ यहाँ पर प्रोसेस देखने मिल जाता है सीलिएटेड वाले में। तो चलिए आज हमने यहाँ पर कंप्लीट करा है अपना प्रोटिस्टा, कल स्टार्ट करेंगे फंगाई। तो चलिए मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, और जहाँ हम सीखेंगे फंगाई के बारे में। आई होप आज के लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। नोट्स ईमानदारी से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, एंड यू विल बी द नेक्स्ट डॉक्टर। ओके बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।